बुंदेलखंड के महायज्ञ में लाखों भक्तों ने लगाई भक्ति की डुबकी। बागेश्वर धाम परिसर में उमड़ा जनसैलाब बाली वध की कथा सुनकर भाव विभोर हुए श्रोता। 251 कुंडीय महायज्ञ में धर्म रस गंगा की आहुतियां। जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज की आज षष्ठम दिवस की कथा। छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के सबसे बड़े महायज्ञ में आज मंगलवार के दिन बागेश्वर धाम परिसर में लाखों भक्तों की अपार भीड़ ने महायज्ञ की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी। एक और जहां मंगलवार को श्री बालाजी सरकार के दरबार में अर्जी उपरांत पेशी करने आते श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पेशी करने वालों की संख्या, वही दूसरी ओर विश्व संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर की कथा से अपार जन समुदाय भाव विभोर हो उठा। श्री बालाजी सरकार बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के संयोजन में आयोजित बुंदेलखंड के सबसे बड़े महायज्ञ में लाखों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा भक्ति रस की डुबकी लगा रहा है। आज मंगलवार के दिन एक अनुमानित संख्या के अनुसार लगभग 3 लाख लोग श्रद्धालुओं ने बालाजी सरकार की परिक्रमा की और श्री रामभद्राचार्य महाराज की द्वारा हनुमान जी प्रभु श्री राम के बीच रहस्यमयी कथा का उद्बोधन किया गया। श्री रामभद्राचार्य महाराज ने अपने उद्बोधन में श्रोताओं को समझाते हुए कहा कि जिस तरह प्रभु श्री राम ने जब बाली को एक ही बाण से मारा, तब बाली ने प्रभु से सवाल किया कि आखिर सुग्रीव से मित्रता और मुझसे डर किस बात का। प्रभु श्री राम बाली को समझाते हुए कहते हैं, भगिनी सुत नारी बेटी के समान होती है, अर्थात युगों युगों तक यह नसीहत प्रभु श्री राम देकर गए हैं। आज हमें कलयुग में भी बेटी की सुरक्षा करना हर मानव की जिम्मेदारी है। श्री हनुमान जी महाराज की अद्भुत कथा श्रवण कराते हुए तुलसी पीठाधीश्वर ने भक्तों को समझाया कि अतुलित बल धामा भावार्थ समझाते हुए कहा कि चारों युगों में सबसे बलशाली श्री हनुमान जी हैं, फिर भी वह अपने बल का कभी बखान नहीं करते। महावीर बजरंग बली सदैव प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई उपकृत सामग्री बताते हैं और भक्तों को समझाते हैं कि आप श्री हनुमान जी की शरण में जाओगे, आपका कल्याण होगा। श्री बागेश्वर धाम परिसर में लाखों भक्तों को निशुल्क अन्नपूर्णा माई का प्रसाद के रूप में भोजन बवाना बेहद जटिल कार्य है, परंतु बालाजी सरकार की अनुकंपा से पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के सानिध्य में सब संभव हो रहा है। भक्ति भाव की तमाम अनुपम झलकियां देखते ही बनती हैं। कोई भक्त जमीन में लेटकर दंडवत कर रहा है तो कोई भक्त घूम घूम कर लेटा हुआ भरी दोपहर में अंगारों की तरह धूप में जलकर लेटते हुए बालाजी सरकार के यहां अर्जी लगाने आ रहा है। निश्चित यह भी है कि लाखों लाखों भक्तों की आस्था प्रभु बालाजी सरकार के दरबार में हर कोई भक्त कुछ न कुछ झोली में लेकर जाता है। आज भी पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने चमत्कारी दिव्य दरबार लगाया, जहां अनेक भक्तों की प्रेत बाधा एवं दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के निराकरण में बालाजी सरकार के यहां समाधान कराया। ऐसा अद्भुत और विहंगम दृश्य देखकर कह सकते हैं कि समूचे बुंदेलखंड का यह महाकुंभ अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। संतों की तपोभूमि, संतों का महासंगम बागेश्वर धाम की धरा पर भक्तों को दर्शन दे रहा है और समस्याओं का निराकरण भी भक्तों का आसानी से हो रहा है। रवि गुप्ता, चंदनगर बमीठा गंज राजनगर ब्लॉक के अंतर्गत, मोबाइल नंबर 7384 9 4 8 4 9 3 4। महावीर राम जासु जसया राम चंद्र सर बालाजी हनुमान सन्यासी बाबा की इंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज की महाराज। सीताराम आपको नाम कहा पहले जो बताओ। जो बागेश्वर धाम कौन से जिला में पड़ा? ये छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। तो कहाँ कहाँ की थे जनता आ रही? यहाँ पर संपूर्ण भारत देश, हाँ, उसके अलावा विदेशों से भी यहाँ श्रद्धालु भक्तजन आ रहे। तो थे मीटिंग वगैरह कैसी लगा था हमें जो और बता दो जाए जी। मीटिंग, हाँ, मीटिंग उन्होंने कही एक थी, अब पर्ची दे दो जब मिलने महाराज जी से जो कहा। नहीं नहीं, वो तो टोकन व्यवस्था है। अच्छा, टोकन टोकन व्यवस्था है, जो कि ये हर 3 माह में या 4 माह में क्या कहते हैं डेट निर्धारित किया जाता है। उसके तहत जिन जिन श्रद्धालुओं का नाम निकलता है बालाजी की इच्छा से, उनको टोकन प्राप्त होता है और उस टोकन के तहत उनका मतलब
डेट निर्धारित किया जाता है, उसके अनुसार ही क्या करते हैं महाराज जी द्वारा वो महाराज जी तक पहुँच पाते हैं और अपना अर्जी लगाते हैं। तो अर्जी कब लगती है? ये अर्जी लगती है जब टोकन मंगलवार से नहीं, क्या कहते हैं नारियल बांधा जाता है, नारियल बांधने के बाद जब माता जी की इच्छा होती है उसके अनुसार ही पर्चा बनता है। पर्चा बनने के बाद मंगलवार को पेशी जिन दिन श्रद्धालुओं का पर्चा बन जाता है। अभी आपके यहाँ इतने श्रद्धालु आए हैं, कुछ सही हुआ है? अगर मरीज वगैरह आए हैं, कई प्रकार की मरीज हैं, सही हुए वो नहीं हुए? इधर बिल्कुल सबको लाभ पहुँचा, तभी तो इतना बड़ा समुदाय आ रहा है। और इधर विधायक विधायक कौन कौन आए हैं? राजनेता हर प्रकार से, हर पार्टी से आ रहे हैं, सब बालाजी के लिए एक ही है, गुरुदेव के लिए सब। आपके गुरुजी का नाम क्या है? वैसे तो हम अपने गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहते जी, एक मर्यादा होता है, हम आज तक कभी नाम नहीं। शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम तेजचंद सावरकर। कहाँ के रहने वाले? नागपुर जिले से कामठी विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। आपने कैसे सुना कि इधर बागेश्वर धाम आना है हमको? मैं अभी ये तीसरी बार है कि मैं यहाँ बागेश्वर धाम दर्शन के लिए आया हूँ। गुरुदेव जी भी नागपुर आए थे और गुरुदेव जी को भी दो दिन हम उनके साथ में थे, माननीय नितिन गडकरी जी उनके घर तक के भी पहुंचा दिए है। तो हमारे कुछ भगत लोग हैं उनके माध्यम से ये सब मेरे को पता चला। और यहाँ का जो चमत्कार है ये निश्चित रूप से ये जो हमारी गरीब जनता है उनके लिए एक भगवान का रूप लेके आया है, इसलिए हम खुद भी यहाँ हरदम आते हैं और यहाँ बागेश्वर धाम का बालाजी का हनुमान बालाजी का हम दर्शन लेते हैं। आपके यहाँ कहाँ कहाँ की जनता आती है कुछ पता आपको? हमारे नागपुर में भी बहुत जनता है और उसके बाद में भी पूरे देश से अलग अलग हिस्से से यहाँ जनता आती है। और ये कारण इसका वही है कि आज गरीब आदमी को डॉक्टर के बाद में कुछ नहीं बचता, उसके बाद में श्री बागेश्वर बालाजी दर्शन करने के बाद उनका सब अच्छा होता है। और यही सुन के हर जिले के हर राज्य के लोग यहाँ दर्शन लेने आते हैं और अपना दुख जो है यहाँ छोड़ के निकल जाते हैं। और उनको बहुत बहुत यहाँ की जो दर्शन लेने से एक भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का लाभ होता है और उनका दुख या हरण हो जाता है, इसलिए पूरे देश से अभी लोग आने लगे हैं। जो आदमी आए हैं वो ठीक हो गए हैं कि नहीं गए ये बताइए? यहाँ जो भी आता है वो अच्छा बोल के जाता है। सबसे बड़ी बात है यहाँ गरीब आदमी आता है, छोटा आदमी आता है और बड़ा भी आदमी आता है, यहाँ सबको आशीर्वाद मिलता है। और ये माध्यम से आज बागेश्वर बालाजी का महिमा जो है ये पूरे देश में चर्चित हो गई है, बड़े बड़े राजनेता भी यहाँ आने लगे हैं और जो गरीब से गरीब आदमी है वो भी यहाँ आने लगा है। मैं बागेश्वर बालाजी को यहाँ नमन करता हूँ और मैं बागेश्वर बालाजी को यहाँ चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस देश की गरीबी है, इस देश का दुख है, ये हरण करने के लिए आपका आशीर्वाद हर टाइम हमारे भगत के ऊपर रखे। जब आप पहली बार आए थे इधर तो आपको कैसा लगता था इधर? मैं जब पहली बार इस गांव में पैर रखा तो मेरे को बहुत थोड़ा सा महसूस नहीं हो रहा था। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम के सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। कलश यात्रा का मतलब कैलाश की यात्रा, कलश यात्रा का मतलब कलेश मिटाने की यात्रा, कलश यात्रा का मतलब ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोटन यज्ञ समाज। कलश यात्रा की प्रत्येक यज्ञ सत्कर्म पुण्यकर्म एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान में बहुत महिमा है। कलश यात्रा का मतलब सीधा सा है शिव की यात्रा, और शिव का मतलब महादेव आदि सहित सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करना। जैसा कि आप सबको बागेश्वर धाम सिद्धपीठ के बारे में, बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर जो विराजमान बागेश्वर धाम सिद्ध तीर्थ है, यहाँ पर 22 मार्च से 30 मार्च तक जो 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ एवं बुंदेलखंड का आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। कल है 21 तारीख,
21 मार्च को दोपहर 12 बजे बागेश्वर धाम पर संपूर्ण ग्राम में भ्रमण करते हुए सभी देवी देवताओं को, ग्राम में देवी देवताओं को आमंत्रित करते हुए कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लगभग 1000 महिलाओं के सिर पर कलश होंगे, 100 युवा बालकों के हाथ में सनातन धर्म का ध्वज होगा। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से इस दास का आप सबको सादर आमंत्रण है, यज्ञ में आओ चलें, कलश यात्रा में 21 मार्च दोपहर 12 बजे बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर कलेशों को मिटाने के लिए यज्ञ की कलश यात्रा में, कैलाश के वासी का दर्शन करने के लिए यज्ञ की कलश यात्रा में, कृष्ण मुरारी मोहन को, कान्हा को पाने के लिए बागेश्वर धाम की कलश यात्रा में। जय बागेश्वर धाम।